प्रदेश कांग्रेस ने शिमला के हेरिटेज स्थानों पर बिना अनुमति के सरकार की उपलब्धियों के होर्डिंग लगाने को लेकर आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने इसे हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन बताया है। शिमला शहरी कांग्रेस ने इस मामले को लेकर नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की है। राजधानी शिमला का मॉल रोड रिज मैदान हेरिटेज क्षेत्र में आता है और यहाँ पर सरकार की योजनाओं के बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं, जिसको लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने विरोध जताया है। कांग्रेस कमेटी ने इन होर्डिंग्स को लेकर चेताया है कि यदि 24 घंटे के भीतर इन्हें नहीं हटाया जाता तो कांग्रेस धरने पर बैठेगी। इन बैनर्स को हटाने की मांग को लेकर शुक्रवार को शिमला में कांग्रेस ने नगर निगम के आयुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा है। इस मौके पर शिमला शहरी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने कहा कि शिमला का मॉल रोड व रिज हेरिटेज स्थानों में आता है। यहाँ हाईकोर्ट ने भी होर्डिंग्स लगाने की मनाही की है, लेकिन सरकार ने बिना अनुमति के इन स्थानों पर अवैध रूप से होर्डिंग लगाए हैं। उन्होंने मांग की है कि 24 घंटे के भीतर इन होर्डिंग्स को हटाया जाए। मॉल रोड रिज का जो एरिया है वो हेरिटेज एरिया में आता है और आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसके द्वारा हेरिटेज एरिया में होर्डिंग लगाए गए हैं बिना किसी परमिशन के। उसको लेके आज हम कमिश्नर से मिले कि ये जो होर्डिंग लगाए हैं अवैध रूप से लगाए गए हैं, इन्हें हटाया जाए, जबकि इसमें पहले से माननीय उच्च न्यायालय के भी आदेश हैं कि जो हेरिटेज एरिया है उसमें किसी भी तरह के होर्डिंग्स नहीं लगाए जा सकते। ये अवैध है, गैर कानूनी है और इसे जल्द से जल्द हटाया जाना चाहिए। हम आज आपके माध्यम से प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी 24 घंटे का इसमें वक्त दे रही है, अदरवाइज हम कल से धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।